प्रेज लॉर्ड, आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वह अच्छा है, भला हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है और उसने मेरे जीवन में अनुग्रह किया है कि एक बार फिर से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से मैं बांट सकती हूँ। और आज विशेष करके परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको ये बांटना चाहती हूँ कि हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम आगे बढ़ें। और कई बार जब हम आत्मिक जीवन को ग्रहण करते हैं तो आत्मिकता में बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें रुकावट होती है। विशेष करके बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ या मैं जब बाइबल पढ़ना चाहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मुझको संगति में जाने का मन नहीं लगता, मुझे ये काम करने का मन नहीं लगता। और जब ऐसी बातों को लोग कहते हैं तो मैंने भी परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखा है जो मैं आपके साथ मैं बांटना चाहती हूँ। और वो ये है कि जब हमारा मन हमको नहीं करने के लिए बोलता है, यदि हमारा मन या हमारे विचार जो है बाइबल नहीं पढ़ने के लिए कहता है, तो हमको और भी अधिक बाइबल को पढ़ना चाहिए। यदि हमारा मन हमको परमेश्वर के भवन में जाने से रोकता है और हमको लगता है कि आज हमको परमेश्वर के भवन में नहीं जाना है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें उस दिन अवश्य करके परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। और निश्चित रूप से जहाँ पर हमें नहीं लगता है वहीं पर मैंने इस बात को पाया है कि एक बार वैसा करने के द्वारा परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में आशीष को लाता है। और कई बार जब हम चर्च जाने के लिए निकलते हैं तो मैं इस बात को देखती हूँ कि कई ऐसे परिवार के लोग हैं कि उसी समय पति पत्नी आपस में झगड़ा हो जाते हैं या बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि आज मूड नहीं है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं या संगति में जाएं, और कई आशीषों को खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपके साथ इस बात को मैं बांटना चाहती हूँ कि जब हमको नहीं जाने का मन करे और उस दिन यदि हम उन कामों को करें तो निश्चित रूप से हम आशीष को प्राप्त करेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 28 पद से पढ़ेंगे तो एक मनुष्य का वर्णन है जहाँ पर उसके दो बेटों का वर्णन है। और बाइबल इस बात को बताता है कि वो मनुष्य जो है अपने बड़े बेटे को दाख की बारी में काम करने के लिए भेजता है तो वो इनकार कर देता है, और छोटे बेटे को जब जाने के लिए बोलता है तो वो ठीक है बोलता है। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि बड़ा बेटा जिसने नहीं बोल दिया था वो बाद में पछता करके काम करने के लिए गया, और छोटा बेटा जो ठीक है जाता हूँ बोलता है वो नहीं जाता है। और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद लोगों से पूछते हैं कि किसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और वहाँ पर लोग बोलते हैं कि पहले ने। तो इसका मतलब है कि जब हमारा मन नहीं भी करे तो भी हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और निश्चित रूप से हम आशीष को प्राप्त करेंगे। यदि आप पुराने नियम में दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर नामान कोढ़ी के विषय में वर्णन है, और मैं थोड़ा सा बस आपका ध्यान उस नामान कोढ़ी के जीवन की ओर ले जाना चाहती हूँ। यदि आप 10 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो उस पूरे अध्याय में आप इस बात को पाएंगे कि नामान बड़े आशा के साथ एलिशा से मिलने के लिए गया क्योंकि वो कोढ़ वंश से शुद्ध होना चाहता था। उसके विचार में था कि एलिशा जो है निकलेगा और मेरे ऊपर हाथ फेरेगा और मैं चंगा हो जाऊँगा, लेकिन उसके सोच और उसके विचार के अनुसार कुछ भी काम नहीं होता है। और एलिशा दूर से ही अपने दूत को भेज करके कह देता है कि जाए वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए और वो चंगा हो जाएगा। और हम इस बात को पाते हैं कि नमान जो है वो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, और उसको लगने लगा कि जहाँ से मैं आया हूँ क्या वहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, वहाँ पर मैं डुबकी लगा करके क्या चंगा नहीं हो सकता था, और बहुत ही क्रोधित होकर के वो जाने लगा। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि उसके सेवक ने आकर के उससे इस बात को कहा कि यदि एलिशा जो भविष्यवक्ता है यदि कोई कठिन काम करने के लिए बोलता तो क्या मेरा स्वामी उस काम को नहीं करता। और उसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि वह यरदन नदी में जा करके डुबकी लगाए, लेकिन नहीं होने के बावजूद सेवक के कहने के कारण उसने डुबकी को लगाया। और हम इस बात को जानते हैं कि जब उसने डुबकी लगाया, वरन 7 बार डुबकी लगाया, मैं इस बात को सोचती हूँ कि जब उसने पहली बार डुबकी लगाया और जब बाहर निकला तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी बार डुबकी लगाया वहाँ पर जब वो बाहर निकला तो भी कुछ भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, 5वीं और 6वीं बार उसने डुबकी लगाया, और आप थोड़ी देर के लिए
सोच सकते हैं कि जब वो डुबकी लगाता रहा होगा और बाहर निकलता रहा होगा तो उसके विचारों में क्या है, क्योंकि वो तो पहले ही नाराज हो रहा था, वो तो कुड़कुड़ा रहा था कि मैं अपने ही जगह में मैं चंगा हो सकता था, और यही विचार उसके अंदर वो 6 डुबकी के दौरान भी उसके अंदर रहा होगा। लेकिन हम इस बात को हम पढ़ते हैं कि जैसे ही उसने 7वां डुबकी लगाया और जब बाहर निकला तो उसका पूरा कोढ़ जो है उसके शरीर से दूर हो गया था। वरन एक बड़ी आशीष उसके जीवन में आया कि उसका जो शरीर है वो छोटे बच्चे के समान बन गया। और ये आशीष परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी देना चाहता है कि जब हमको नहीं लगता है कि अब नहीं हो सकता करके, वहीं पर यदि हमें परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है तो हम उन आज्ञाओं को करें, उन कामों को करें। और परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है कि हमको संगति में बने रहना है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमको बाइबिल को पढ़ना है और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं के साथ हमको आगे बढ़ना। कई बार हम प्रार्थना भी करना चाहते हैं लेकिन वो प्रार्थना हमसे नहीं होता है। लेकिन जब अगर नहीं हो पा रहा, आप नहीं कर पा रहे हैं, उपवास नहीं रख पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, संगति में नहीं जा पा रहे हैं, तो आज से निर्णय लें कि अब से मैं प्रार्थना में बैठूंगा या बैठूंगी, मैं आज से संगति में जाऊंगी या जाऊंगा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार को और कैसी आशीष को लेकर के आता है। और इसी प्रकार से यदि सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से यदि हम 11 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पत्रस का वर्णन है। और यदि आप 5वें पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पत्रस से बातचीत कर रहे हैं और पत्रस को इस बात को कह रहे हैं कि अपने नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल। और हम इस बात को देखते हैं कि पत्रस इस बात को बोल रहा है कि प्रभु मैं तो सारी रात मैंने मेहनत किया है। सबसे पहले उसने परमेश्वर के आवाज़ को सुना, प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुना, और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि गहरे में जाल डाल। और वो ये बात को बोल रहा है कि मैंने सारी रात मेहनत किया, लेकिन एक बहुत अच्छा शब्द है उसका, तो भी तेरे कहने के कारण। बाइबिल इस बात को बताता, जब प्रभु यीशु मसीह के कहने के द्वारा पतरस ने जाल डाला तो इतनी मछलियां ले आए कि उनके जाल जो है फटने लगी, और यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे नाव को भी संकेत किया कि वो भी उनकी मदद के लिए आए। और यहाँ पर भी हम एक बड़ी आशीष को देख रहे हैं कि जहाँ पर उसका मन नहीं था कि वो दोबारा जा करके जाल को डाले, क्योंकि उसने एक बार मेहनत करके देख लिया था, लेकिन बाइबिल इस बात को बताता है और वो इस बात को बोला कि प्रभु तेरे कहने के द्वारा मैं करूंगा, और उसने किया और एक बड़ी आशीष को उसने प्राप्त किया। और उसी के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में वो शामिल हो गया। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपेंगे और यदि हमारा मन नहीं लग रहा है और प्रभु कह रहा है करने के लिए, तो भी यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम नामान की तरह आशीष को प्राप्त करेंगे, हम पतरस की तरह आशीष को प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से हमारे जीवन के सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। शैतान का बहुत बड़ा यह हथियार है कि वो परमेश्वर के कामों को करने से हमको रोकता है, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो संगति है, चाहे वो उपवास है, इन चीज़ों को करने के लिए शैतान रोकता है, क्योंकि इन्हीं माध्यमों से हम परमेश्वर के साथ जुड़े जाते हैं। सो लगातार हम संगति में बने रहें, और जिस दिन आपका मन नहीं करेगा और आप संगति में जाएंगे, आप एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में देख सकते हैं, एक बड़े काम को प्रभु का आप अपने जीवन में देख सकते हैं। सो परमेश्वर आपकी सहायता करें कि आप लगातार प्रभु में और प्रभु की संगति में, उसके वचन में आप बने रहें, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देता रहे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष।